बिहार में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, तो वहीं गर्मी को लेकर के मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। बता दें कि राजधानी पटना में तापमान 43 डिग्री तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। और पटना के लोगों और पुलिस से बात की हमारे संवाददाता ने, सुनिए। पटना समेत पूरे बिहार में गर्मी का प्रकोप जो है वो कम नहीं हो रहा। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के डाक बंगला चौराहे पर। देखिए, आमतौर पर ये सबसे व्यस्त चौराहा माना जाता है पटना का, लेकिन गर्मी का सितम ऐसा है कि लोग जो है वो गाड़ियों से सबसे ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। जो लोग सड़कों पर पैदल चल रहे हैं वो आमतौर पर या तो गमछा सर पर रख रहे हैं या फिर साथ में छाता लेकर चल रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी अगर किसी को होती है तो वो पुलिस को होती है, क्योंकि यातायात व्यवस्था जो है वो पुलिस को तमाम जगहों पर देखनी होती है। और चुनाव के वक्त सबसे ज़्यादा जो कह सकते हैं ट्रैफिक पुलिस है वो सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट्स जो है वो आमतौर पर होते हैं। और ये वही पटना पुलिस है जो लगातार पटना में लोगों की सेवा भी करती है, और गर्मी से एक खासा परेशानी जो है वो होती है, क्योंकि करीब 7 से 8 घंटे की इनकी जो ड्यूटी है वो होती है। और गर्मी में सबसे ज़्यादा परेशानी का सबक आम जनता और पटना ट्रैफिक पुलिस को होती है। उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पुलिस इंस्पेक्टर है और बाकी जो पुलिस वाले हैं वो भी यहाँ पर है। डाक बंगला चौराहे की तस्वीर दिखा रहे हैं। सर, कितनी परेशानी होती है अमूमन 8 घंटे की ड्यूटी होती है और इस गर्मी में? गर्मी है तो परेशानी होगा ही, क्या कीजिएगा। हाँ, गर्मी में थोड़ा दिक्कत है। कितना तापमान जो है आमतौर पर पहुँच जाता है सर? तो अभी तो 45-46 है। कुछ व्यवस्था भी, वैकल्पिक व्यवस्था, पानी की, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं? सब चीज़ है, सारी व्यवस्था रहती है, लेकिन गर्मी से तबीयत खराब होने का भी डर रहता होगा। हाँ, तो ड्यूटी है तो करना पड़ेगा। देखिए, ड्यूटी है, करना होगा, महिला पुलिस कर्मी भी है। मैडम, कितनी परेशानी होती है गर्मी में? बहुत ही परेशानी, परेशानी हो जाती है ज़्यादा, क्योंकि गर्मी होती होगी तो कहीं ना कहीं धूप भी है तो बाहर निकलने में भी परेशानी होती होगी। देखिए, परेशानी का सबक है, जो पुलिसकर्मी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और देखिए किस तरीके से जो शांति है वो पटना की सड़कों पर नज़र आ रही है, क्योंकि गर्मी की वजह से यातायात व्यवस्था जो है वो कम हो जाती है। लोग देखिए छाते का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी बढ़ गई है तो लोगों को परेशानी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। अमूमन मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि दोपहर को अनावश्यक जो है वो सड़कों पर ना निकले, क्योंकि करीब 40 से 42 डिग्री तक जो टेम्परेचर है वो पहुंच जाता है। कुछ बच्चे हैं छाता का भी प्रयोग कर रहे हैं। गर्मी से कितनी परेशानी? बहुत परेशानी हो रही है, एकदम हालत खराब हो गया। छाते का ही प्रयोग करें, कितनी गर्मी हो जा रही है? बहुत बहुत, लगभग कितना टेम्परेचर चला गया? 44-45 है। मौसम विभाग ने भी कहा है कि अनावश्यक बाहर ना निकले, काम था इसीलिए। आप काम है तो आना ही ना पड़ेगा। काम होता है तो ऐसी ही गर्मी अमूमन पटना में हो रही है क्या? बहुत बहुत बहुत, अब तो निकलना मुश्किल हो गया है, पूरा निकलना भी मुश्किल हो गया है। बहुत बहुत हालत देख ही रहे हैं। क्या ग्लूकोज उक्लोज यूज कर रहे हैं? नहीं, वो जरूरत नहीं पड़ता है। पानी अमूमन? हाँ, पानी है। पानी भी साथ लेकर चल रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं। और गर्मी का सितम इतना है कि लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं। डाक बंगला चौराहे की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिधर तक लोगों को देखिए वो परेशान है, या तो सर पे दुपट्टा लेकर महिलाएं चल रही हैं। परेशानी होती है, गर्मी का मौसम है। मैडम, गर्मी का मौसम है, कितनी परेशानी हो जाती है? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। देखिए, ये परेशानी जो है वो नज़र आती है, लोग जो है वो परेशान होकर सड़कों पर निकल रहे हैं। और जो गर्मी आप देख सकते हैं कि जो युवा है वो भी छाते का प्रयोग कर रहे हैं, महिलाएं हैं, लोग हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं, लेकिन परेशानी का सबक जो है वो ज़रूर नज़र आता है, क्योंकि गर्मी का सितम जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ गया है। और राजधानी पटना की बात की जाए तो 42 से 44 डिग्री तक जो है वो गर्मी हो जा रही है और लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। सर, गर्मी से कितने परेशान? अरे मत पूछिए भाई, इतनी तपिश है कि जिसका कोई हद नहीं है, किसी को राहत नहीं मिल रहा है। इसमें चलने में जो है लोगों को बहुत काफ़ी परेशानी पर भी परेशानी पूरा पूरा ये जो है, ये चल रहे हैं देख रहे हैं आप, चलने में हालत ख़राब हो रही है लोगों का, जो पसीने 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 हो जा रहे हैं हम लोग। एक परेशानी का सबक ज़रूर है, क्योंकि गर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। सर, गर्मी से परेशानी हो रही है? हाँ, बहुत परेशानी हो रही है। कहाँ से आ रहे हैं? बगल में से आ रहे हैं। अच्छा, बगल से ही आ रहे हैं। देखिए, गर्मी जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रही है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं पटना के डाक बंगला चौराहे की। जो लोग हैं वो या तो अपने सर को ढक के चल रहे हैं, क्योंकि गर्मी में सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो लोगों को होती है। और गर्मी से काफ़ी बीमारियाँ भी हो जाती है, और आमतौर पर वायरल फीवर जो है वो गर्मी में हो रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी की है और कहा है कि अनावश्यक जो है वो सड़कों पर ना निकले, क्योंकि जो तापमान है वो 42 से 44
44 डिग्री तक चला जाएगा और पूरे मई महीने में इस बार लोगों को आराम जो है वो नहीं मिलने वाला। पटना की अमूमन तस्वीरें ऐसी ही होती हैं जहां पर सड़कों पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यातायात के व्यवस्था वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा सड़कों पर अगर कोई निकल रहा है तो बिना छाते के बिना कपड़े के नहीं निकल रहा, और यही तस्वीरें अमूमन पूरे पटना में नज़र आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना।